दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में टूटा अभिषेक शर्मा का कहर, बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, सदियों बाद कप गई है पूरे बांग्लादेश की रूह। एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां, तो आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित डिविलियर्स को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों घमंड में चूर बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत की युवा ब्रिगेड के सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम को चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। दोनों टीमें पहला T20 मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी और यह मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई, टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया, इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। हमने 50 रनों पर अपने ही 4 बल्लेबाज गवा दिए थे, तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर अभिषेक शर्मा के बल्ले का जादू हमें देखने को मिला। वो टीम इंडिया के बेस्ट संकट मोचन बने। जैसे ही अभिषेक को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके कि उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभिषेक तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली ही गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। T20 के जाबाज इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की छड़ी लगाना शुरू कर दी और चपकते ही अभिषेक अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए साकिब अल हसन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के अभिषेक शर्मा ने ठोक दिए थे, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा दशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। पलक चपकते ही इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गिल सूर्या से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरा बांग्लादेश खेमा पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके बस की बात नहीं थी। T20 को T10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए मैदान के हर कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घटक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उनके इस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर अभिषेक ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खूबसूरत चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत ही ला दी थी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले पहले T20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से T20 में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली T20 सीरीज का हो चुका है आगाज। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है T20 का महासंग्राम। 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे शुरू होगा मैच? कैसा होगा पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बहुत
जल्द भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीम में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास उठाकर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहले टी20 मुकाबला 17 सितंबर को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 19 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टी20 मैच 20 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है, और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज आप देख सकते हैं। वही टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण बीसीसीआई भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी टी20 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले टी20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों टी20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। 4th नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली टी20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। 6th पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7th और 8th पायदान पर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9th पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10th और 11th नंबर पर मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली टी20 सीरीज का बिगुल बज चुका है। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है टी20 का महासंग्राम। 11 भूखे खूंखार शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। फिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? कैसा होगा पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बहुत जल्द इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास उठाकर देख लीजिए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब कांटे की टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहला टी20 मुकाबला 15 सितंबर को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 17 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा मुकाबला 19 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है, और इस टी20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी
सी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज आप देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये टी20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण बीसीसीआई भी काफ़ी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब टी20 सीरीज हुई थी, तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी टी20